वेलकम टू माय चैनल जनरेटर वाला। आज हम आपको होंडा जनरेटर की पहला वीडियो बनाया था। अगर आपकी रस्सी टूट जाती है तो कैसे लगेंगे, अगर आपकी स्प्रिंग टूट जाती है, ये देख रहे हैं स्प्रिंग है टूट चुकी है, ये देख टूट गई है, अगर बीच से टूट जाती है तो कैसे चेंज करनी है। और ये देखिए हमने ओरिजिनल होंडा की स्प्रिंग है कैसे लगेगी, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे। नई रस्सी डालेंगे, इसमें आपको स्प्रिंग डालना सिखाएंगे, कैसे आपकी रिकॉइल स्टार्टर की स्प्रिंग चेंज करते हैं, नई स्प्रिंग कैसे इंस्टॉल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये नई स्प्रिंग जो इसमें लगी है ना, ऐसे लगाई जाती है, ये पूरा खांचा आता है इस तरह का, इसके अंदर स्प्रिंग होती है, इसमें देखो इसमें बैठी हुई है, और ऐसे खुल जाएगी तो आप बैठा नहीं पाएंगे, ये बहुत हार्ड होती है, बैठ आपके हाथ से बैठेगी भी नहीं, ये टूट गई, इसका जो लॉक है टूट चुका है। और उसमें से लगा के देखते, इसको ऐसे ही आपको रख देना है, ये ऐसी खांचे में आती है, इसे बैठानी पड़ेगी, ये अगर खुल जाएगी तो लगेगी नहीं, खांचा इसमें ऐसे बैठ के आता है, इसको हटा के इसको ऐसे बैठाना है, और खांचे से धीरे से डालेंगे तो इस पर आगे बैठेगी ये। अगर ये खांचा निकाल लेंगे तब स्प्रिंग डालेंगे तो स्प्रिंग फिर ऐसे हो जाएगी, डाल नहीं पाएंगे आप, अगर खुल गए तो फिर डाल नहीं पाएंगे। और डालने के बाद इसको इस खांचे में बैठाना है जैसे ये बैठा हुआ है, देखिए आ गया, मतलब बैठ गई अंदर जाके सही फिट बैठी है। इसको लगाने के बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा ऑयल इसमें डालना पड़ेगा और थोड़ी सी ग्रीस लगानी पड़ेगी, और इसमें थोड़ा सा ऑयलिंग कर लेना है यहाँ पे, और इसको इस पर धीरे से बैठाना है, जैसे बैठेगा आवाज़ आ जाएगी अपने आप बैठने की, ये बैठ गया, बैठने में इस तरह से चलना चाहिए, क्योंकि ऐसे रस्सी जो घूमेगी तो ये वापस अपने आप लपेटेगा, इस तरह से घूमेगी ये रस्सी फिर वापस अंदर लपेट लेगा। स्प्रिंग जब भी डालनी है इस खांचे में से बन के आती है, ओरिजिनल स्प्रिंग इसमें आती है, इसको ऐसे लगाना है और इसको बैठा देना है, पहले वो दिखा देता हूँ, ये अगर स्प्रिंग खुल जाएगी तो इस तरह से हो जाएगी खुलने के बाद, अगर स्प्रिंग खुलनी नहीं चाहिए, इस खांचे में आती है यहाँ से देखो ऐसे बढ़ती है, जैसे ये यहाँ बना हुआ ना खांचा, ये खांचे में फंसेगी, इसको ऐसे बैठाना है और इसको धीरे से हाथ से नीचे कर देना है तो ये लाख में जाके बैठ जाएगी, और खोल के से निकाल के डालेंगे तो स्प्रिंग डाल नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी हो जाएगी ये, आपसे लगेगी नहीं फिर, ये बेकार है, फिर मिस्त्री ही लगाएगा इसको, उसको लगाने के बाद इसको धीरे धीरे इसमें बैठाना है, जैसे ही बैठेगा तो आवाज़ आ जाती है बैठने की, ये देखिए चला गई सही, बिल्कुल सही लगी इसका। अब इसमें ये लाख लगाने हैं सारे, जितने इसके निकाले थे आप, ये इस तरह से लगता है, अब ये जैसे घूमेगा तो ऊपर आएगा, ठीक है, कटोरी इसको वापस इसी में लगानी है, और इसको कस देना वापस ऐसे ही, ठीक है ना, इसको कसना है ऐसे, ये इसका बोल्ट है, जैसे खोला था वैसे ही इसको बांधना है, इसको ऐसे कस देना फिर वापस, देखो फ्री चल रहा है ना, अब जब जब भी घूमेंगे जैसे जाएगा, लेकिन लॉक निकलने लगा अपने बाद, ऐसे ऐसे निकलना चाहिए। अब आपको इसमें रस्सी डाल के दिखाऊंगा, रस्सी पड़ती कैसे बिल्कुल आसानी से पड़ जाती है, रस्सी डाल दिखाते हैं, इसको 8 नंबर बोर्ड से कस लेना है आपको, रस्सी में गांठ कैसे मारेंगे, रस्सी ऐसे पकड़नी है जैसे पकड़े हैं, ऐसे घुमाना है इसको, ऐसे एक बार ऐसे, दूसरी बार ऐसे, अब इसको रस्सी पे जब करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, कंपनी हमेशा ऐसे गांठ लगाती है, अब ये खुलेगी नहीं, 6 राउंड घुमाना है, लेकिन नई स्प्रिंग है ना, नई स्प्रिंग ज़्यादा काम करती है, पुरानी स्प्रिंग होती है तो उसमें राउंड ज़्यादा घुमाने पड़ते हैं, ये नई स्प्रिंग है वैसे ही टाइट चलेगी, अब इस तरह से घसीटना है इसको, और ये ऐसे आ जाएगा आपका, पेचकस से किसी तरह से निकाल खींच लीजिए इसको, आ गए ना, अब यहाँ भी वही काम करना है, इसको इसमें डालना है हैंडल में, हैंडल में डाल के ना, 120 रुपये का, 130 रुपये का आता है होंडा का ओरिजिनल है, फिर वैसी गांठ वैसी मानी जैसे पहले मैंने बताया था, एक राउंड घुमाना है उसको और ऐसे ले लेना है, तो स्प्रिंग नहीं थी ना तो 5 राउंड में घूम जाती है, अगर ढीली लग रही तो 1 राउंड और घुमा सकते हो, पर ठीक है, तो नहीं ये टाइट होगी ना, ढीली होगी इससे पता चल जाता सही चल रही, इस तरीके से आप पूरा वीडियो बना सकते हो, पूरा वो आराम से डाल सकते हैं रस्सी और स्प्रिंग, और स्प्रिंग कभी निकालनी नहीं है, जैसी पन्नी में आती है उसी तरीके से डालनी है, अगर स्प्रिंग खोल के डालेंगे तो ये ऐसी इतनी हार्ड होती है आप जाएगी नहीं, बहुत हार्ड होती है, खुल जाएगी बेकार हो गई, अब ये टूट गई थी यहाँ से, टूट जाएगी तो रस्सी वापस जाएगी नहीं, इसका मतलब स्प्रिंग ख़राब है। बाकी आपको कोई भी सामान चाहिए होंडा का चाहिए तो सारा सामान मेरे पास मिलता है होंडा का, देखिए ये तो बाहर जा रहा है जितना माल है सब बाहर आर्डर का लगा हुआ है, बाकी सारा सामान आपको बिरला यामा का चाहिए कार्बेटर वेटर तो मिल जाएगा आपको, अगर होंडा का चाहिए तो होंडा का मिल जाएगा, कार्बेटर आपको मिल जाएगा, होंडा का भी मिल जाएगा, अगर आपको मीडियम क्लास का चाहिए तो मीडियम वाला ही मिल जाएगा दूसरे का, तो होंडा का तो आपको पड़ेगा वही 2900-3000 के आसपास पड़ेगा,
बाकी अगर होंडा का आपको पिस्टन से चाहिए तो पिस्टन ही मिल जाएगा, 0 नंबर पिस्टन है। अगर किसी को चाहिए तो ये मिल जाएगा, सामान आपको सारा मिल जाएगा जितना भी मेरे पास, होंडा का या बिरला यामा का। ये 2800 का कार्बेटर किसी भाई को चाहिए नया है तो मिल जाएगा, बिरला यामा कोई भी सामान अगर चाहेंगे तो मिल जाएगा। बाकी सामान जा रहा है, ये जा रहा है वो गुजरात जा रहा है, ये पार्सल ये स्पेयर पार्ट है, ये भी जा रहा है बलिया जा रहा है, यूपी में जा रहा है ये, और ये जा रहा है वेस्ट बंगाल। बाकी आपको कोई भी होंडा के जनरेटर चाहिए हो सारे मिल जाएंगे, सारे जनरेटर मिल जाएंगे होंडा के। ये भी जनरेटर वेस्ट बंगाल जा रहा है, इनका पेमेंट भी आ चुका है, ये पैक होने वाला है, सब सामान रखा हुआ पैकिंग का। ये भी जनरेटर रखे हुए हैं, सारे जनरेटर रखे हैं। देखिए ब्रश कटर भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, होंडा जनरेटर इंजन सब मिल जाएगा, सारे स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे होंडा के, और बिरला के भी चाहिए तो स्पेयर पार्ट हम मिल जाते हैं। बाकी होंडा के जनरेटर सारे मिल जाएंगे, फ्री डिलीवरी सब पहुँच जाएंगे जनरेटर आपको। ब्रश कटर मिल जाएगा, स्प्रे मैन, इंजन, GS इंजन सब मिल जाएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।